गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे कंटिन्यू चैप्टर नंबर टेन एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर द टुडे वी विल स्टडी एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट ओके सो नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स क्या है प्रॉब्लम सेम है नथिंग वॉज न्यू ऑलरेडी डिस्कस इन दैट फिजिकली मेंटली इमोशनली ऑल दिस प्रॉब्लम्स सो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकली प्रॉब्लम सेकेंड मेंटल प्रॉब्लम थर्ड एग्रेसिव बिहेवियर प्रॉब्लम होता है और लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट इमोशनली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेक्स सेल्फ सपोर्ट फीलिंग इम्पोर्टेंस एंड सोशल प्रॉब्लम्स दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट इन दिस एज स्टूडेंट्स फेस ओके तो फर्स्ट जैसे आपका जो फर्स्ट पॉइंट था फिजिकली प्रॉब्लम में फिजिकली प्रॉब्लम में जो इतने सारे चेंजेस होते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा उसको उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सब क्या है ओके एंड सेकेंड है मेंटल प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम्स में उनकी जो कोऑर्डिनेशन है एबिलिटी है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है उनको गुस्सा भी आता है कुछ अच्छा भी लगता है कुछ नहीं भी लगता है तो इस तरह से फिर एग्रेसिव बिहेवियर होता है कि अगर हम उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि नॉट वांट टू अंडरस्टैंड ओके और ख़ुद को ही uh, समझते हैं कि आई एम द बेस्ट ओके okay? फिर लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट वो मतलब कि उनमें एक मतलब कि एक जगह खड़े होने के डिसीजन पावर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और एडजस्ट मतलब कि वो हर जगह एडजस्ट नहीं हो पाते थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम आती है ओके okay? फिर नेक्स्ट है इमोशनली प्रॉब्लम्स इमोशनली मतलब कि ब, आ, बच्चों की जो इस एज के अंदर वो फुल ऑफ इमोशनली होते हैं उनको गुस्सा भी आता है उनको और जैसे किसी से जेलसी फील होती है किसी को अच्छा बढ़ते हुए देखते हैं तो उनको फिर वो होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये सब तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इमोशनली में इन्वॉल्व होती है और फिर प्रॉब्लम्स और रिलेटेड टू रिलेटेड टू द सेक्स कि uh, बच्चों को टाइमली uh, अगर इस चीज़ की इंफॉर्मेशन और इस का हम जब टाइमली uh, बता दिया जाते हैं तो बच्चों को के अंदर वो फीलिंग uh, वो चीज़ें कम हो जाती है इसमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन टाइम से प्रोवाइड करवानी बहुत ज़रूरी है और कंपलसरी है जिससे कि बच्चों को फ्यूचर में कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आए और वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे ओके फिर नेक्स्ट है सेल्फ सपोर्ट सेल्फ सपोर्ट मींस लाइक बच्चा चाहता है कि मेरा खुद का सोसाइटी में एक इमेज हो सपोर्ट हो लोग मुझे भी पूछे किसी चीज़ के लिए इस तरह से सोसाइटी में अपनी जगह बनाना चाहता होता है चाहता है बच्चा इस तरह से ओके फिर नेक्स्ट है सेल्फ फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस यानी बच्चा चाहता है कि मेरी जो फीलिंग्स है उसकी इम्पोर्टेंस करे ओके फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस में जैसे uh, कई बार क्या होता है कि फैमिली में जब बच्चे को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते और कई बार हम उसकी बात को गौर नहीं करते हैं तो उसको गुस्सा आता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि फैमिली में मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो वी हैव टू लिसन केयरफुली एंड मेकदम फीलिंग कम्फर्टेबल कि वॉट एवर यू आर सेंग दैट इज़ राइट एंड समटाइम वी हैव टू डू ऑल दिस पॉइंट्स लाइक दिस ऑल्सो हमें इस तरह से भी करना है कि जिस तरह से वो आपका बच्चा सजेशन देता है तो इसीलिए तो उससे कि बच्चा बच बच्चे, बच्चे में गलत इंटेंशन uh, नहीं आए कि मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है फैमिली के अंदर ओके okay? तो फिर नेक्स्ट है हमारा सोशल प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम्स में आपको वैसे बताया था पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सोसाइटी जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं कि जैसे कई बार कुछ रीति रिवाज ऐसे जनरे इस एज की जनरेशन को पसंद नहीं आते हैं तो वो उसके अगेंस्ट में भी चले जाते हैं तो इसलिए बच्चों का इस सोशल प्रॉब्लम से भी वो काफ़ी फेस करते हैं तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट एडोलेसेंस दीज आर द प्रॉब्लम्स विच हैंडल बाय द दिस एज ग्रुप सो so दिस uh, ये है हमारी प्रॉब्लम्स दिस आर द टॉपिक नाउ वी विल टेक द मैनेजमेंट ऑफ द एडोलेसेंस। लास्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स तो मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है पहली प्रॉब्लम है एजुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट ओके सेकेंड है एजुकेशन फॉर साइकोलॉजी थर्ड सेक्स एजुकेशन वोकेशनल गाइडेंस मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट एजुकेट इंडिपेंडेंस एंड सोशल एजुकेशन सो जैसे अभी पहला पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ओके एजुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट यानी मोटर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास आ, बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए जैसे कि फिज़िकल फीचर्स डेवलप होते हैं इसमें तो उनको हमें एजुकेशन देनी चाहिए उनको बताना चाहिए पहले से कि इस तरह से चेंजेस लाइफ में इस तरह से बॉडी में चेंजेस होते हैं और बच्चा किस तरह से चाइल्ड से मेचोरिटी की तरफ जाता है ओके तो एडोलोसेंस के दौरान बॉडी मसल्स डेवलप और अप होने लग जाती है और अगर बच्चे गेम्स और स्पोर्ट्स में रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं तो इसलिए बच्चों बच्चों को स्पोर्ट्स में और गेम्स में खेलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए जिससे क्या है कि उनकी जो मोटर डेवलपमेंट uh, है वो बहुत अच्छे से ग्रो अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए बच्चा जब स्टार्टिंग से खेलता है तो रनिंग करता है मतलब कि वो फिजिकली बहुत इंटरनली और माइंडली uh, वो स्ट्रांग हो जाता है ओके okay. फिर एजुकेशन एद, एजुकेशन फॉर द साइकोलॉजी यानी ये है कि जो साइकोलॉजी है माइंड लाइक जैसे हम सोचते हैं हमारा बच्चा क्या सोच रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसके जो ये जो वर्क काम कर रहा है वो उसके लिए सूटेबल है नहीं है तो बेसिक जो नॉलेज है वो पेरेंट्स और टीचर्स को होनी चाहिए ताकि वो हम स्कूल में और घर में हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके आने वाले प्रॉब्लम्स को हम शॉर्ट आउट कर सकें ओके okay? और ये साइकोलॉजी के हिसाब से फिर क्या कि हम बच्चों को भी वो बेसिक नॉलेज दे सकते हैं ओके okay, फिर नेक्स्ट है सेक्स एजुकेशन यानी स्कूल के अंदर जैसे अदर सब्जेक्ट हैं वी हैव टू कीप दिस सब्जेक्ट ऑल्सो लाइक दैट्स वाई वी विल गिव द गुड सेक्स एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स क्यों क्योंकि उनके अंदर हम वो चीज़ उनसे छुपा रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं जिस तरह से हम अदर सब्जेक्ट को एक uh, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं समझाते हैं तो सेम वही चीज़ उसमें है कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को भी उसी तरीके से समझानी चाहिए जिससे जैसे हम अदर सब्जेक्ट को समझाते हैं ओके okay? इससे क्या है कि बच्चे के अंदर जो क्योरिसिटी होती है वो कम हो जाती है बच्चा गलत रास्ते जाना चाहे तो नहीं जा सकता क्यूं? क्यों क्योंकि उसको हर हाँ बात समझ में आ जाती है अगर कोई बात हम उसे छुपा के रखते हैं तो उस चीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और किसी और के द्वारा जो मैसेज आता है उससे क्या बच्चा गलत वे पे चला जाता है तो इसीलिए कहते हैं ना कि सेक्स एजुकेशन इज कम्पल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स तो वी हैव टू गिव ऑन द टाइम ट वी दैट स्टूडेंट वी विल नॉट गो इन रॉन्ग वे ओके तो नेक्स्ट है वोकेशनल गाइडेंस जब जैसे बच्चा uh, टेंथ में आता है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को हमेशा सब्जेक्ट uh, वाइज इतनी अच्छे से नॉलेज वी हैव टू गिव गुड नॉलेज अदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट तो एटलीस्ट दे आर रेडी टू सेलेक्ट गुड सब्जेक्ट कि वट ही वॉन्ट टू बी इन हिज लाइफ एंड थ्रू दैट विच सब्जेक्ट इट विल बी हेल्प आउट कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से उसको बेनिफिट मिलेगा तो इसलिए हमेशा बच्चों को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए तो इस तरह की नॉलेज से क्या है कि बच्चा मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाता है कि आफ्टर टेन वट विच सब्जेक्ट आई हैव टू चूज एंड थ्रू दिस सब्जेक्ट आई आई विल गेट द फ्यूचर प्लान ओके तो ये है वोकेशनल गाइडेंस ज़रूरी होती है फिर मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कहते हैं ना बड़ों का मेहनत करना किस तरह से सोसाइटी में रहना किस तरह से रिस्पेक्ट करना किस है किस किस किसी को गलत नहीं बोलना है और जैसे एक वो इन्वायरमेंट ऐसा घर में माहौल करें कि बच्चा उस चीज़ को सीखे गॉड के प्रति बच्चों को मोटिवेट करना टाइम से उठना टाइम से नहाना पूजा करना और रिस्पेक्ट करना ओके तो इसलिए बच्चों को घर में भी ऐसा इन्वॉर्वमेंट दिया देना चाहिए ताकि टाइम से बच्चे उठ करके दूसरों को देख करके अच्छे से खुद को भी उसमें उस फील्ड में, में इन्वॉल्व करें ओके और जिससे उनका मन शांत रहे और डिसिप्लिन में वो बच्चा बना रहे गुस्सा नहीं आए तो ये सारी चीज़ें माहौल हम कब दे सकते हैं हम घर के अंदर माहौल दे सकते हैं कि बच्चे को अगर हमें प्रॉपर गुड मैनर्स सिखाने, सिखाने है मॉरल वैल्यू सिखानी है और रिलीजियस और भगवान के प्रति उसकी आस्था जगानी है तो वी हैव तो, टू है तो, मेक दैट इन्वायरमेंट ओके बच्चों को सिखाने के लिए हमें वो इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा ओके तो इस तभी बच्चा ये सब सीखेगा ओके फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट जिस तरह से एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम कैसा इन्वामेंट करते हैं उसके लिए किस तरह से उस बच्चे के आगे पीछे हम नाचते हैं खेलते हैं कूदते हैं तो सेम यही कंडीशन इस एज के अंदर उस बच्चे की होती है तो इस एज में उस बच्चे को उस टाइप का इन्वामेंट देना चाहिए कि वो कभी गलत नहीं जाए। वो बच्चा हर आपकी उंगली पकड़ के सीखे जिस तरह से दो साल का मतलब कि एक डेढ़ साल का बच्चा आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखता है तो एक ये एज ग्रुप ऐसी है जिसके अंदर बच्चे को भी उसी अंगली को पकड़ के वापस उसको चलना सिखाना है वो चलना फिरना सब सीख रहे लेकिन जिस उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के लिए हमें उसकी उंगली थाम उसकी फिंगर को हमें होल्ड करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप उसको हम वो सारी इन्फॉर्मेशन वो सारी माहौल वो इन्वामेंट वो मतलब कि माहौल देंगे कि जिससे कि उसको कभी नेगेटिव वे में वो कभी नहीं जाए और हर चीज़ को वो पॉजिटिव में एक्सेप्ट करे कि हाँ ऐसा होता है और हर टाइम उस समय बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि बच्चा जैसे कहते हैं ना फ्रेंड्स के इन्वॉल्व में ज़्यादा रहता है तो उस समय हम पेरेंट्स को उनके साथ में ज़्यादा रहना चाहिए पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए फ्रेंड्स मतलब कि बच्चों के फ्रेंड्स बन जाने चाहिए जिससे कि, कि बच्चा हमें हर बात शेयर करे हमारे साथ रहे ऐसा हुआ वैसा हुआ तो इस तरह से क्या है कि हम बच्चों के साथ हमारी बहुत अच्छी बाउंडिंग बनेगी और बच्चा कभी भी गलत नहीं जाएगा और बच्चा हर बात बिना हेजिटेशन के वो हमसे हर बात शेयर करेगा तो कहते हैं ना कि बच्चों को हमें इस टाइप का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए ओके एडुकेट इंडिपेंडेंस यानी क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा इस एज में आने के बाद में उसको फील होता है कि मैं खुद अकेला रहूँ है मैं अपने लिए टाइम स्पेंड करूँ तो थोड़ा सा उनके ऊपर ट्रस्ट करना है और थोड़ा सा उनको जहाँ उनकी जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ना मैं को अब इसको फ्रीडम थोड़ा देना चाहिए क्योंकि हम जितना बच्चों को बांध के रखेंगे तो वो उतना हमसे भागेगा जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो भागेगा जरूर तो हमेशा क्या, सोचना चाहिए कि ज, जहां जरूरत है वहीं उसको फ्रीडम दी जाए और जहां जरूरत नहीं है वहां उसको समझाया जाए और उसके साथ उस पल उस मोमेंट में उस बच्चे के साथ खड़े रहे ओके तो उस ताकि बच्चा अपनी फीलिंग शेयर कर सके डिपेंडेंस में बच्चे को छोटे छोटे कैम्प में कैम्प अटेंड करवाइए मॉनिटरिंग के लिए भेजिए भले बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे बच्चा इंडिपेंडेंटली वहाँ सीखता है तो उसका माइंड क्या सीखने पे जाएगा अदर एक्टिविटीज़ में नहीं जाएगा ओके तो नेक्स्ट है सोशल एजुकेशन सोशल एजुकेशन यानी समाज के जो रीति रिवाज है उनके बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए जो ट्रेडिशनली जो चले आ रहे हैं उनके बारे में उनको समझाना चाहिए बच्चे कई बार उसके अगेंस्ट में नहीं जाए ओके सामाजिक जानकारी देना वो रीति रिवाज है उनके बारे में उनको समझाना क्योंकि आप मॉडल नहीं बन सकते हो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ उस बच्चों को शिक्षा देना ज़रूरी है समाज की ज़रूरत क्यों है बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंट समझानी चाहिए आज के टाइम के अंदर कि समाज सोशल एजुकेशन के अंदर बच्चा जब न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में जो बच्चा रहता है उसको हर फैमिली uh, मेम्बर्स की इम्पोर्टेंस पता होती है और लेकिन जो बच्चा न्यूक्लियर रहता है जो फैमिली से दूर रहता है उसको नहीं पता होती उसके लिए वो अपने आप में रहता है तो इसलिए कहते हैं ना हर बच्चे को सोशल uh, एजुकेशन so, uh, देना ज़रूरी है उसको समाज में होने वाले रीति रिवाज जरूर बताना ज़रूरी है क्योंकि वाई द सोसाइटी इज फॉर एस सोसाइटी भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी है जितना हम हैं ओके तो दीज आर द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स कंप्लीटेड ओवर य and uh, this is the last uh, this is the 10th chapter is complete over here anybody have any problem we will discuss in the live class and those who are not attend the live class we will discuss in the whatsapp group thank you and god bless you all